उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में संयुक्त तत्वाधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रोजगार मेले के समापन के अवसर पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त तथा अन्य सामान्य सेवा योजित युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल तथा सहजनवा विधायक शीतल पांडे द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक डॉक्टर अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार नौजवानों को सुखी, स्वावलंबी एवं सशक्तिकरण बनाने हेतु उनके हित में अनेक योजनाएं संचालित की हैं। नौजवानों के अंदर असीम ऊर्जा है, वे अपने दृढ़ निश्चय एवं कठिन परिश्रम से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों को रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना चाहती है और इस तरह की ऊर्जा नौजवानों के अंदर लाई जाएगी। डॉक्टर अग्रवाल ने नौजवानों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बताया कि इस 2 दिवसीय रोजगार मेले में 9 जून को कुल 3311 बच्चों का विभिन्न कंपनियों द्वारा रोजगार हेतु चयन किया गया। इसी प्रकार 10 जून को 28 कंपनियों द्वारा टेक्निकल में लगभग 2500 का चयन किया गया। कुल 11175 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर हाथ को रोजगार मिले, क्योंकि जब देश के युवाओं का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। इस अवसर पर सहजनवा विधायक शीतल पांडे ने अपने संबोधन में नौजवानों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु संकल्पित है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण आयोजन है और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन सभी जिला मंडलों पर हो ताकि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर निदेशक मिशन सेवा योजन प्रांजल यादव, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। श्रीवास्तव एम से मेरा अनुरोध है, उधर से निकल जाइए। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित नौजवान और हम निराश होना नहीं जानते, तो ऐसा कोई नौजवान नहीं होगा जो कभी अपने जीवन में असफल हो सके। अपने जीवन के शुरुआत में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन 3311 नौजवानों को जिन्हें कल विभिन्न स्तरों का रोजगार दिया गया, मुझे बताया गया कि 8000 से लेकर के 35000 की सैलरी के बीच में तकरीबन 3311 बच्चों ने कल विभिन्न स्तरों, विभिन्न कंपनियों की 8-10 जो मानिंद कंपनियां शायद देश की टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, उन्होंने आपको रोजगार दिया। जो आंकड़े आज के अभी प्रांजल यादव जी बता रहे थे, संभावना है कि जब तक वो आंकड़े आएंगे टेक्निकल में करीब करीब 2500 बच्चों को सेवा योजन प्राप्त हो जाएगा। मैं इन सभी 5800 बच्चों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, उनके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आप सबके अंदर जितनी ऊर्जा है आपको गर्व होना चाहिए, आपके नौजवान मुख्यमंत्री के अंदर अकेली उतनी ऊर्जा है। मैं इस मन से उनका, उनके अनुपस्थिति में उनका आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, जब से माननीय मोदी जी सत्ता में आए तो बहुत मजबूती के साथ इस बात को कह रहे हैं कि हम नौजवानों को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। समाज में ढेर सारे नौजवान जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, व्यवसायिक कुशलता भी है,
उसकी गुणवत्ता और निपुणता कम हो सकती है, उन्हें परिस्थितियां नहीं उपलब्ध कराई गई। अन्यथा मोदी जी कहते हैं, जिस अंबानी का नाम तुम सुनते हो नौजवानों, उसने 20,000 की पूंजी से काम शुरू किया था। जिस निर्मा कंपनी की चर्चा होती है, उस कंपनी वाले ने साइकिल पर साबुन बना करके बेचना शुरू किया था। और जिस अजीम प्रेम भाई और अन्य लोगों की कम चर्चा होती है, उन्होंने 60,000 की पूंजी से इस देश में अपने रोजगार का शुरू किया था और आज मानी कंपनियों में से। जिन भाइयों को रोजगार मिला है, उनको मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि आज जिन लोगों को रोजगार मिला है, उनके घरों में खुशहाली के चिराग जलेंगे। Thank you.
उदय भान।